के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं। मर हमला का हमें ये गए भाई तुम क्यों नहीं मैं आप मेरे चाहिए Welcome back to Suman Loka Round. Today we are diving in the historical hub of performing arts. Today I am in Mandi House, the Kammani Theatre. This Kammani Theatre attracts the best talent all over the world. यहाँ पे बहुत बड़े 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 artists आते हैं जो perform करते हैं और आज हमको भी opportunity मिली और if you are in Delhi तो आप don't miss out this spot of Delhi. आप यहाँ पे Mandi House वाले area पे आइए, यहाँ पे आपको शोज बुक माई शो में भी मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको आके पता चल जाए कहाँ पे किस थिएटर पे कब किसका शो है तो वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है. तो दिस इज रियली अ वेरी एक्सीलेंट एक्सपीरियंस. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए थिएटर के अंदर और आज शाम हम लोग सुनते हैं निज़ामी बंधुओं की खूबसूरत कव्वालियाँ और शेर व शायरियाँ और मैं थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग आपके साथ शेयर करूँगी. आप इंजॉय करिएगा और पूरा इंजॉय करने के लिए तो आपको यहाँ पे आके थिएटर में जो फील आएगा तो वो आप यहाँ आके ज़रूर एक टाइम आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए ये. तो चलिए इंजॉय करते हैं निज़ामी बंधुओं के साथ ये खूबसूरत शाम. तो सबसे पहले मैं एक शेर श्री गणेश जी के लिए कहूंगा. बना के तुझको भगवान, हमने बना के तुझको भगवान, मैंने खुद को बंदा कर लिया. ये महंगा हो ये सस्ता, yes, अब तो सौदा कर लिया. Yeah.
तेरा नाम। ये प्यार मोहब्बत से है मतलब हमें सबको प्यार मोहब्बत से है मतलब और नहीं कुछ काम, क्योंकि हाथ खुले तो अल्लाह अल्लाह, हाथ खुले तो अल्लाह अल्लाह और हाथ जुड़े तो राम। ये दो हस्तियां ऐसी गुजरी हैं कि जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हद तपे तो औलिया और बेहद तपे तो पीर, हद तपे तो औलिया बेहद तपे तो पीर, और हद बेहद दोनों तपे सुबह को नाम फकीर। हम अपने रहनुमाई के लिए गीता और कुरान रखते हैं,
करते हैं, वफादारी हो, वफादारी भी पवन से हो, यही इंसान कहता है हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं। ये लब कुशाई करने लगे नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, ये नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, हमारे कद के बराबर ना आ सके जब लोग, हमारे कद के बराबर ना आ सके जब लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे, खरीदे थे ये गजरे हमने लौट कर हम किसी गुजरे से नहीं आए हैं। तन्हाई का दर्शन बनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ, वो भारत वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, मैं गजरों से आग बुझाता रहता हूँ। ये जो शेर हम आपको सुना रहे हैं ना, इनका सूफी कवाली से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कभी नौजवान सोचे शायद ये भी सूफी कवाली है? सूफी कवाली वो थी जिसमें भगवान का ईश्वर का अल्लाह का नाम आया था। क्या बात, देखिए इनका शेर सुन के मुझे भी शेर याद आ गया। एक हसीना के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, एक हसीना के जख्मों पर मरहम लगाने ये गए। भाई तुम क्यों नहीं गए? मैं मेरे चाचा हूं, मैं आपके साथ कैसे जाऊंगा? अब शेर सुनिए, अगर आपने गौर से नहीं सुना तो ये शेर आपके सर पे से गुजर जाएगा। शेर सुनिए, एक हसीना के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम ना मिला मरहम की कसम, मरहम की जगह मरहम गए। मेरा गम जानते हैं सिर्फ दो लोग, आईने में वो आदमी
वो खुदा से मांगता है। समझो आप क्यों नाराज हैं? ये जो हल्का का सुरूर है कि वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं? आप क्यों नाराज हैं? वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए? वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए? तू फिक्र करना पहनने की और संभलने की, मैं गिर भी जाऊं तो साफी उठा उठा के मैं पीकर
मैं तो एलिगेंट एम्बियंस एंड एक्सीलेंट एकॉस्टिक ऑफ दिस प्लेस, बहुत मज़ा आने वाला है आपको डेफिनेटली, तो डोंट मिस आउट दिस प्लेस, मंडी हाउस एंड ऑल द थिएटर्स, और जो भी आपको शो यहाँ पर मिल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ पर प्लेज होते हैं थिएटर्स में, ड्रामाज होते हैं, डांस शो थिएटर पर आज, तो चलिए होप आपने इन्जॉय किया होगा ये शो. And please don't forget to like, comment and subscribe and stay connected with Suman Look Around. Bye-bye.